हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छी तरह से होंगे। अगेन वेलकम है मेरे इस नए वीडियो में आप सबका। और टाइटल से जैसे आज आपने देख ही लिया होगा कि मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आई हूँ। अगेन इट्स अ हैक, और वो ग्लूगन का हैक है। और अगर हम बात करें कि ग्लूगन, तो ग्लूगन से एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें और भी हम बनाएंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, बट आज एक छोटा सा हैक है जिस जो रहेगा एक ऑर्गेनाइज़र, जो वैनिटी का ऑर्गेनाइज़र मैं बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने बना के वो अपने जो ड्रॉअर हैं मेरे वैनिटी के उसमें रखे हुए हैं और मैं उसको यूज़ भी कर रही हूँ। और अगर हम बात करें कि ये जो हैक है एक्चुअली बहुत ईजी और बहुत ही सस्ता है, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो ग्लू स्टिक्स होती हैं वो 10-10 रुपीज़ की इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल जाएंगी। और ग्लू गन भी अगर आप चाहें, जैसे अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ से लेना है, तो ऑनलाइन इजीली आपको 250 रुपीज़, 300, अगर कोई अच्छी डील हुई तो 200 वगैरह में भी आराम से आपको मिल जाएगा। मैंने ऑनलाइन ही लिया था ग्लू गन और मेरा आराम से बहुत अच्छे से चल रहा है, वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। और उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा टूर दूंगी अपने वैनिटी का, एक्चुअली पूरे वैनिटी का नहीं, सिर्फ एक या दो ड्रॉर्स का, जिनमें मैंने वो ग्लू गन से जो ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए हैं वो मैंने किस तरह से अरेंज किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है उसमें छोटी छोटी चीज़ें रख के। मैंने एक्चुअली वैनिटी में यूज़ किया है, आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, घर में स्टेशनरी का भी कुछ सामान रख सकते हो आप उसमें, तो मल्टीपर्पज़ है एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट विद द टूर। उसके बाद मैं आपको उसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल दूंगी जो बहुत ही ईजी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, दिस इज माई वैनिटी इस तरह से। और ये जो है, ये जो ऑर्गेनाइजर है, ये देखिए, आपने टाइटल में देखा होगा इसको, बहुत ही इजी है ये एक्चुअली बनाना और बहुत सुंदर लगता है ये एक्चुअली। अगर आप बात करो तो मैंने इसको एज इट इज़ ही रहने दिया है गाइस, बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि कई बार मैं रात को अपने गोल्ड के इयरिंग्स वगैरह उतार के इसमें रख देती हूँ, या फिर गोल्ड के बैंगल वगैरह रख दिए, तो कैसा होता है कि गोल्ड इज़ अ मेटल, तो अगर मैं इसमें कोई कलर करूँ एक्रेलिक या कुछ भी, तो आई डाउट कि वो उस मेटल के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, या आई मीन सूट करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसमें कोई कलर नहीं किया है, इसको एज इट इज़ ही रहने दिया है यहाँ पे। और इसको इस तरह से अपने ड्रेसिंग टेबल पे ऊपर रखा हुआ है जिससे इजीली मैं इसमें कुछ भी रख सकूँ रात को। और अगर ये बात करें कि इस फ्लावर पॉट की, तो एक्चुअली ये मैंने घर पर ही बनाया था हाथ से, और अगर आप बिलीव करो तो ये न्यूज़पेपर का है, ये मैंने न्यूज़पेपर से बनाया था और ये बहुत पुराना है, आई गेस 5 ईयर्स पहले बनाया था मैंने, 5 या 6 ईयर्स पहले बनाया था ये, एंड स्टिल इन अ वेरी गुड कंडीशन। सो अगर आप चाहो तो मैं इसका भी ट्यूटोरियल आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दे सकती हूँ। न्यूज़पेपर से एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे हैक्स होते हैं न्यूज़पेपर के, मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो चलो बैक टू द पॉइंट। और अगर हम ड्रॉअर की बात करें, तो इस ड्रॉअर में मैंने ये इस तरह से अरेंज किया है, इसमें मैंने अपने इयररिंग्स वगैरह रखे हैं गोल्ड के, आप देख सकते हो। एंड गाइस, इसमें भी मैंने एक्चुअली कलर नहीं किया है, और साथ में मैंने एक्चुअली एक और है ये वाला, ये एक्चुअली ये जो बोल है मैंने जिस बोल से ये बनाया था उससे छोटे बोल से ये बनाया है, एक थोड़ा सा छोटा साइज था दूसरे का, और इसको मैंने इस तरह से कलर किया है, ये मेटेलिक कलर से, ये भी एक्चुअली बहुत सुंदर लग रहा है। बट इसमें मैंने जैसे आपको बोला कि गोल्ड का कुछ नहीं रखा, इसमें मैंने अपना सिंदूर और काजल वगैरह रखा हुआ है, एंड यहाँ पे इसको अरेंज किया है इस तरह से। ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं गाइस, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एक्चुअली रबर जैसे हैं, ये देखिए, तो ये किसी भी छोटी बड़ी किसी भी जगह बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। इसकी जगह अगर आप मेटल का कोई ऑर्गेनाइज़र लेते हो, बाउल वगैरह, या प्लास्टिक का लेते हो, तो फिर उसको आपको एक्चुअली क्या है कि उसका जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको रख सकते हो, वो ऐसे छोटी किसी जगह में एडजस्ट नहीं होगा।
तो दिस इज़ हाउ आई हैव अरेंज्ड माई डेली वेयर ज्वेलरी इन दिस। एंड अगर मेरे ड्रॉर की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा ड्रॉर है एक्चुअली, कुछ खास नहीं है इसमें। ये जो दो बॉक्सेस हैं ये मैंने एक्चुअली आइकिया से लिए थे, और इसमें मैंने इस तरह से मेरी ये बिंदी वगैरह हैं सारी। ये भी मेरा एक्चुअली, ये जो बिंदी ऑर्गेनाइज़र है ये मेरी शादी के टाइम का है, बहुत पुराना है ये, और ये मेरी भाभी ने बनाया था। तो मुझे एक्चुअली उनसे सीखना है, ये फिर से नया बनाना है मुझे। ये मेरी और बिंदी वगैरह है, यहाँ पे मेरी सेफ्टी पिन्स हैं, और इसमें मेरी हेयर क्लिप्स वगैरह रखी हुई हैं जब मेरे हेयर बड़े थे तब, अभी तो खैर काफ़ी शॉर्ट हैं। और इस तरह से ये दिखता है। एंड यहाँ पे बात करें तो ये मेरा छोटा मोटा कुछ मेकअप का सामान है जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है, बिकॉज़ मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में शेयर किया कि मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। ये मेरा इयररिंग बॉक्स ही है एक, और यहाँ पे मेरे ये कॉटन वगैरह रखा है। और ये जो है, ये जो मैंने, आपने मेरा अगर वो वीडियो देखा हो रैपिंग पेपर हैक्स का, तो सेम मैंने इस तरह से रैपिंग पेपर एज अ शेल्फ मैट बिछाए हुए हैं। इनको भी बनाना, मैंने उसमें पूरा ट्यूटोरियल दिया है कि इजीली आप उसको कैसे बना सकते हो जिससे वो काफ़ी ड्यूरेबल रहे। और यहाँ पे भी मैंने एक ये बिछाया हुआ है सेम। एंड दिस इज़ द फर्स्ट ड्रॉअर, एंड इन द सेकेंड ड्रॉअर ये यहाँ पे मैंने एक्चुअली एक और ऑर्गेनाइज़र बनाया है, ये बट ये कार्डबोर्ड बॉक्स का है गाइस। एज यू कैन सी ये कार्डबोर्ड बॉक्स का है, ये मैंने एक्चुअली पुराना नेट का एक क्लॉथ था मेरे पास उससे बनाया है ये। और इस तरह से उसके ऊपर ये जूट को इस तरह से पेस्ट करके इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। इसमें मेरे ये हेयर बैंड्स वगैरह हैं, और बाकी मैंने एक्चुअली क्लचेस वगैरह सब हटा दिए हैं बिकॉज़ अभी मेरे हेयर एज आई टोल्ड यू शॉर्ट हैं। ये भी सेम एक ऑर्गेनाइज़र है एक्चुअली, ये भी मैंने आइकिया से लिया था, बट ये प्लांटर एज अ ज़्यादा अच्छे से यूज़ होगा, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे भी मेरे हेयर बैंड्स हैं, ये मेरे कॉम्ब्स वगैरह हैं, और यहाँ पे मेरे डेली वेयर के इयर रिंग्स वगैरह और जो हैं एक्स्ट्रा जो मैं पहनती हूँ बस। और सेम मैंने जैसे बताया रैपिंग पेपर से मैंने वहाँ पे मैट बनाया हुआ है इसका ड्रॉर का। यहाँ पे मैंने एक एक्चुअली पुरानी ये शीट लगाई है, ये शीट यूज़ में नहीं थी, ड्राइंग शीट जो मोटी थिक वाली होती है वो है ये। ये मेरे बेटे के किसी प्रोजेक्ट वर्क में यूज़ हुई थी, तो एक साइड से उसमें कुछ ने बनाया हुआ है, सेकंड दूसरी साइड से मैंने ये इस तरह से बिछाई हुई है बिकॉज़ किसी यूज़ में नहीं थी अभी वो इतने। सो देयर इज़ अ टूर एंड तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ जो बहुत ही ईजी और सिंपल सा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मैंने इस तरह का एक ये मीडियम साइज़ का बोन चाइना का बोल लिया है। आप कुछ और भी ले सकते हैं, बट याद रखिए कि या तो वो ग्लास का हो या बोन चाइना का हो। और इसके ऊपर मैं अब इस तरह से जैसा बोल का डिज़ाइन है, मतलब जैसा उसका बेस है, उसके अकॉर्डिंगली ही इस पे ग्लूगन इस तरह से पेस्ट करती जाऊंगी मैं। और थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ही लेना है हमको, बहुत पतला पतला नहीं लेना है, नहीं तो फिर हमको इसको निकालने में और बनाने में बहुत वो टूट सकता है। और अभी हम इस पे जो इसका जो बेस है उसके ऊपर जाली बनाएंगे। जाली थोड़ी पास पास बनानी है बिकॉज़ अगर हम उसमें कुछ सामान रखते हैं तो वो गिरना नहीं चाहिए। आप एज यू कैन सी के मैं किस तरह से बना रही हूँ यहाँ पे, और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग जिस तरह का बोल है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इस पे डिज़ाइन बनाने वाले हैं।
गाइस, अब हम इसको पूरा होने के बाद 20 से 30 मिनट्स के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए, यहाँ पे मेरे 30 मिनट्स हो गए हैं। एक्चुअली 20 मिनट्स में भी सूख जाता है इजीली, बट मैंने 30 मिनट्स रहने दिया। अच्छे से चेक कर लें कि ये सूख गया है कि नहीं सूख गया है। एंड उसके बाद हम चेक करने के बाद किसी भी एक थोड़े से शार्प ऑब्जेक्ट से, ये मैंने मैनीक्योर का लिया है अपना इस तरह का, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे धीरे धीरे इसको निकालेंगे। बहुत आराम से निकालना है। एंड हमारा बोल इज़ रेडी। बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और मैं इस पे कोई कलर नहीं करने वाली हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं इसको एज इट इज़ ही रहने देने वाली हूँ। और इसमें जो साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा जो आपको दिख रहा है पार्ट, उसको हम सीजर्स की हेल्प से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे, जिससे थोड़ा फिनिशिंग आ जाए उसको। और इसमें मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसमें कोई अच्छा सा मेटेलिक कलर वगैरह कर सकते वगैरह हैं। कर सकते हैं। एंड हमारा जो ऑर्गेनाइजर है गाइस, वो पूरी तरह से रेडी है, एज यू कैन सी दैट। सो गाइस, ये था हमारा ट्यूटोरियल इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया। और साथ में जो एक छोटू सा टूर मैंने आपको दिया अपने वैनिटी का, बाकी का भी मैं आपको आने वाले टाइम में दूंगी, बट नॉट नाउ, बिकॉज जो आज का हमारा थीम था कि हम उस ऑर्गेनाइजर को कैसे यूज़ कर रहे हैं, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दैट ओनली। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इस। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा।